हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल माय गेम स्टूडियो पे। तो ये जो गेम है, जैसे आप सबको पता है कि मैंने इसका एपिसोड 1 का 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पर मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को ये नहीं समझा है, तो एक बार मैं आपके लिए इसका पूरा रिकैप समझा देता हूँ कि क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो गेम है, ये दो भाइयों की कहानी है जिसके अंदर दोनों भाई जो रहते हैं वो 7 समुंदर पार जाके दवाई लेके आते हैं, वो भी एडवेंचर्स करके सारे। पर ये दवाई किसके लिए लाते हैं, तो वो दवाई जो है वो अपने पिता के लिए लाते हैं। जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो उनके पिता रहते हैं उनको खांसी होती है और उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि चलो इन्हें हकीम चाचा के पास ले चले। और हकीम चाचा के पास जाके हमें पता चलता है कि ये जो दवाई है ये यहाँ नहीं है। तो हकीम चाचा उन्हें एक नक्शा देते हैं, वो नक्शा लेके उन्हें आगे बढ़ना है और देखना है कि वो दवाई कहाँ है। तो अब वो नक्शा इनके हाथ में है और वो नक्शा लेके अब अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। तो इसी बीच हमें पता चलेगा कि और क्या क्या नई नई कठिनाई आएगी इस गेम में और क्या क्या नए नए एडवेंचर्स वेट कर रहे हैं इन दोनों का। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या है इस गेम में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी ये अंकल यहाँ पे है, इनसे पूछना पड़ेगा कि पहले आगे कैसे जाना है। अरे अंकल को तो बड़ा एटीट्यूड है। खैर छोड़िए, देखते क्या करते। तो जैसे कि एक ने तो पूछ लिया बड़े वाले ने, अब छोटा वाला देखते क्या करते। अरे उसकी तो अरे अंकल को तो चमाटी खींच दिया पीछे, वो भी कस के। एक बार फिर से लो अंकल, दिखाओ अब एटीट्यूड अपना। नहीं नहीं दिखाओ, किधर गया आपका एटीट्यूड। एक बार फिर से ये खटाक, मजा आया अंकल। चलो छोड़ो, हो गया अंकल की मज़े लेके, मस्त मज़ा आया। अब जैसे कि यहाँ पे एक गेट है, हमें दोनों मिलके, मतलब ये जैसे आपको सबको पता है कि ये दोनों को एक साथ हैंडल करना है, तो गेट भी दोनों के साथ ही खुलेगा। और ये गेट खुल गया। ओके, अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, तो कौन सा रास्ता चूज़ करें। तो एक काम करते हैं, हम नीचे वाला रास्ता चूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें पता है कि वहाँ एक अंकल बैठे जो आगे का रास्ता बताएंगे कैसे क्या करना है। चलिए देखते हैं क्या बात है। अंकल तो मस्त गाना बजा रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, सॉरी गाना नहीं धुन बजा रहे, बहुत अच्छा है, क्या बात है। ओके चलो अंकल खुश हुए आप, चलिए देखते। वाह कतई जहर। चलो फिर यहाँ से आगे बढ़ चले और देखते हैं कि हमें आगे क्या क्या मिलता है देखने के लिए और गेम में। बाकी कुछ भी बोलो, इस गेम में ना एक चीज़ मस्त है कि आप एक नहीं सॉरी दो चीज़ मस्त है कि आपको एक साथ दोनों को लेके जाना है, दूसरा कि आपको इस गेम के ग्राफिक्स अच्छे मिलेंगे। अरे चाचा तो लगी में है, एड्रेस क्या बताएंगे ना। सही बात है, छोड़ो परेशान नहीं करते वरना हमारे पीछे दौड़ पड़ेंगे हमें मारने के लिए। वाओ इसे कहते हैं ग्राफिक्स मोबाइल लेवल पे। ओ तेरी की, ये तो डॉबरमैन चला आ रहा है सामने से, कतई डेंजर भाई कतई डेंजर, बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। अब क्या करे। तो प्लान ऐसा है कि एक सीटी बजाएगा एक क्रॉस करेगा और कुत्ते का ध्यान भटकाएगा, बेसिकली जैसे कि अब यहाँ पे हो रहा है। ओके तो अब एक बुला रहा है दूसरा आगे जा रहा है, ठीक है अभी तक सब सही चल रहा है। पर जहाँ तक इस कुत्ते की स्पीड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें काट सकता है। सो देखते आगे क्या होता है। ओके बहुत डेंजर कुत्ता यार। अरे अरे बच गए बच गए बच गए, चलो नसीब। अभी अब तो दोनों आसपास खड़े, अब कैसे क्या होगा।
अरे रे रे रे, काट लिया यार, काट लिया। कोई नहीं, सेकेंड टाइम फिर से ट्राई करेंगे हम, लेकिन इस बार हम पहुंच के रहेंगे। तो सेम स्ट्रैटेजी रहेगी, बाकी देखते क्या होता है आगे। ओके चलिए, ये सही था। ओके ठीक है, छोटे को पहले आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वो छोटा है तो ज़्यादा भाग नहीं सकता। चलिए अब बारी है बड़े की। स्ट्रैटेजी एकदम सेम, कोई चेंजेस नहीं। ओके अब देखते हैं, अब तो आ गए ऑलमोस्ट पास में। चलिए चलिए, दोनों अब साथ में चढ़ गए। तो भाई डॉबरमैन मिया, धन्यवाद आपका, आपने जो हमारा साथ दिया है यहाँ तक। चलिए, ओहो पिसल कुंडी, मज़ा आएगा। ओहो बाकी कहानी जो है ना, अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि ये क्या है, कुछ मतलब इतना ज़्यादा आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या है कहानी, पर जैसे जैसे आप देखते जाओगे आगे आगे, आपको पता चलते जाएगा कि कहानी में और क्या क्या नया नया ट्विस्ट है। पर इसकी ये गारंटी है कि ये जो कहानी है ये पीसी लेवल पे, मतलब ये जो गेम है ये पीसी लेवल पे हिट रहा है। फिर ये लोग ने, मतलब जो गेम्स डेवलपर है उन्होंने इस गेम को काफ़ी ज़्यादा फाइल साइज़ रिड्यूस करके और जितना हो सकता था उतना ग्राफिक्स को रिड्यूस करके उन्होंने इसे मोबाइल लेवल पर डाला एंड्रॉयड में। बट जैसे कि आप ग्राफिक देख रहे हो कि ग्राफिक जो है वो बहुत औसम है, बोले तो बहुत हार्ड, कतई जहर भाई, कतई जहर। चलिए कांदा बटाटा इधर भी चालू है। कहीं कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मतलब थोड़ा बहुत गाउटी टाइप का टच आता है इस गेम में, जो कि है एक्चुअली में। काफ़ी अलग जगह पर रहते हैं, फिर उनके पिताजी को वो हकीम चाचा के पास लेके जाते हैं और उसके बीच में उन्हें कैसे लेके जाना पड़ता है वो सब भी वहाँ मैंने आपको एपिसोड 1 पे फर्स्ट पार्ट में डाला था। ओके वाओ क्या बात है, खरगोशों का झुंड। अरे वो सफ़ेद खरगोश सबसे अलग है। खैर देखते हैं इनका क्या है, बट अभी नहीं, पहले हमें पहुंचना है हमारी मंजिल की ओर, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए हकीम चाचा के पास इन दोनों के पिता बोले तो एडमिट है। ओके ओ भाई साहब, इसे बोलते नज़ारा, बोले तो दिल छू गया ये नज़ारा, क्या बात है। इसके ऊपर एक लाइक तो बनता है बॉस, और एक कमेंट भी कि कैसा लगा आपको ये नज़ारा, मतलब कतई जहर, बोले तो बहुत हार्ड। चिड़िया क्या बात है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा टास्क है हमारे लिए, पहले देखते कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे एक चरखी है और वहाँ पे कुछ बकरियाँ हैं, और ये हाँ ये अंकल है यहाँ पे जो हमें मदद करेंगे कि हमें कहाँ जाना है वो बता सकते हैं। अरे छोटे मियाँ, आप कब बंद करोगे लोगों को परेशान करना, छोड़ो आपसे ये उम्मीद है ही नहीं कि आप बंद करोगे। ओके तो अंकल ने बताया कि हमें वो साइड जाना है, बट अब जाएंगे कैसे, क्योंकि उधर तो जगह है ही नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। पर ये चरखी जो है ये कुछ काम आ सकती है। ओके अब समझ में आया कि क्या करना है इसके अंदर। बेसिकली चरखी के अंदर सबसे पहले हम छोटे को डालेंगे, वो फिर बड़ा उस साइड जाएगा और बकरियों को लेके आएगा, जैसे कि अब यहाँ हो रहा है। ओके देखते जाइए आप। और अब जब ये बकरियाँ यहाँ आ जाएंगी, ओ शेट, बकरी को लगी तो नहीं, शायद नहीं, इतने मोटे मोटे बाले कहाँ से लगेंगे। तो अभी हम बकरी को इस चरखी के ऊपर रखेंगे और बकरी इस चरखी पे दौड़ते रहेगी और हम दोनों वो साइड जाएंगे, मतलब छोटे और ये बड़े दोनों वो साइड जाएंगे। अब अच्छा बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों कैरेक्टर्स का नाम क्या है, एक का नाम है निया और एक का नाम है माया।
निया जो है वो बहुत ही मतलब बहुत माया जो है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, निया जो है बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है, मस्ती खोर सॉफ्ट टाइप का कैरेक्टर है। माया जो है वो कुछ भी इजीली कर सकता है, बट निया नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी छोटा है। ओ भाई साहब, इसे कहते हैं नज़ारा जो नहीं होता हर किसी को प्यारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है बॉस। ओहो देखिए जैसे कि वो कुत्ता अभी भी उधर दौड़ ही रहा है। सही दिया है ग्राफिक्स। ओके अभी क्या, ये बहुत 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 कम रास्ता है, ये मतलब बहुत पतला रास्ता है। ये क्या हो गया? ओ भाई साहब ये तो दानव है भाई। ये दानव क्यों रो रहा है? क्या हुआ भाई आपको? अरे भाई इनके पास मत जाओ। अरे साहब क्या दानव है, मतलब अब कुछ शुरू हुआ है गेम में। अब पता चलेगा कि आगे क्या क्या है, हमें ये दानव अब क्या बताएगा और हमें इससे क्या काम है। जैसे कि हाई कर रहा है, छोटे वाले ने हाई कर दिया है, हमें देखना पड़ेगा कि ये दानव हमसे क्या चाहता है और ये हमारे क्या काम आता है। ओके तो ये नक्शा और दानव ने कहा है कि ओके दानव ने इशारा किया है, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है एपिसोड 2 जो है वो है, बट एपिसोड 2 का पार्ट ए जो है ये अभी यही है। इसके बाद सेकंड मतलब एपिसोड 2 के पार्ट बी में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, ये दानव हमें कहाँ लेके जा रहा है और हमें कैसे आगे बढ़ना है। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल और थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।